कि अगर हमारा पीटीसी रिले खराब है, यानी उसकी डिस्क खराब है या टूट गई है, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में क्या हम इस रिले के बगैर इस कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं और इसे हम छोड़ सकते हैं कि ये लगातार चलता रहे, इलेक्ट्रिसिटी के ऑफ होने पर और दोबारा ऑन होने पर ये खुद से स्टार्ट कर ले, क्या ऐसा संभव है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में हम लोग रेफ्रिजरेटर में लगने वाले रिले के बारे में बात करेंगे कि रेफ्रिजरेटर का रिले अगर खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। कि अगर हम किसी साइट पर जाते हैं रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए और वहां हम ये देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर का रिले खराब है और रिले मेरे पास ना हो और हम काफी दूर हो, तो इस पोजीशन में क्या हम उस फ्रिज को चालू कंडीशन में छोड़ के आ सकते हैं, यानी उस फ्रिज को हम चला सकते हैं? इस टॉपिक को हम समझेंगे कि क्या रिले वाकई जरूरी है फ्रिज के लिए या बिना रिले के भी फ्रिज को चलाया जा सकता है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, ये एक ओवरलोड प्रोटेक्टर है, जबकि ये हमारे पास एक पीटीसी रिले है। तो हम सबसे पहले इस रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर की मदद से इस कंप्रेसर को चलाते हैं। इसके लिए हम ये ओवरलोड प्रोटेक्टर यहां कनेक्ट कर लेते हैं और इस रिले को यहां कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास सप्लाई के दो वायर हैं जिसे हम यहां कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्लैंप मीटर है या टांग टेस्टर, जिसे हम एम्पियर मोड में सेट कर लेंगे और इसको यहां पर कनेक्ट कर लेंगे। सप्लाई को ऑन करते हैं। यहां देखिए ये 0.4-0.3 एम्पियर करंट ले रहा है और ये कंप्रेसर रन कर रहा है। इसका मतलब ये ओवरलोड प्रोटेक्टर और ये रिले प्रॉपरली इसको चला रहा है। ओवरलोड प्रोटेक्टर अगर इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है हाई एम्पियर की या ओवर हीटिंग की, तो ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। जबकि रिले का काम है जो सप्लाई इस पिन पर आ रही वो सीधा रन टर्मिनल पर जा रही और इसकी पीटीसी डिस्क से होते हुए स्टार्ट टर्मिनल पर चली जा रही है। इससे मोटर स्टार्ट भी हो गया और स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग टर्मिनल में जाने वाली सर्किट ब्रेक हो गई। अब ये रन और कॉमन पर मोटर लगातार चल रही है और ये नॉर्मल एम्पियर पर चल रही है। इसे अब हम बंद करते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा पीटीसी रिले है जो खराब है। इसकी आवाज सुनिए। इसका मतलब इसके अंदर की पीटीसी डिस्क टूटी हुई है, जिसे हम खोल के देखते हैं। इसको खोलने के लिए इसका ये एक लॉक है जिसे हम ओपन करते हैं और ओपन करने पर ये इस तरह से खुल जाता है। और यहां देखिए इसके अंदर ये, इसको हटा लेते हैं, इसकी जो डिस्क है वो देखिए ये टूटी हुई है। यहां देखिए ये इसकी डिस्क टूटी हुई है और जब पीटीसी डिस्क टूट जाती है या खराब हो जाती है तो जो सप्लाई हम रन टर्मिनल पर देते हैं वो रन टर्मिनल में तो पहुंच जाता है पर डिस्क के खराब होने की वजह से स्टार्ट टर्मिनल पर नहीं पहुंच पाता। तो इस पोजीशन में ये कंप्रेसर क्या करता है, इसे हम चला के देखते हैं। अभी हम इसे ओपन ही कंडीशन में यहां लगाते हैं। ये अच्छा वाला पीटीसी रिले है जिसको हम यहां से निकाल लेते हैं और ये हमारा जिसकी डिस्क टूटी हुई है इस रिले को यहां पर लगाते हैं, यानी सप्लाई हमने यहां दे दिया और इसे हम यहां पर कनेक्ट करते हैं। अब अपने क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड में सेट करके यहां हम लगा लेते हैं। ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर है जबकि ये खराब पीटीसी रिले है। इस रिले के साथ हम इस कंप्रेसर को स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए 3.3 एम्पियर ले रहा है और ये रिले स्टार्ट नहीं कर पा रहा। अब ये ओवरलोड प्रोटेक्टर ने सर्किट को ब्रेक कर दिया। इससे ये पता चला कि अगर हमारा पीटीसी रिले खराब है, यानी उसकी डिस्क खराब है या टूट गई है, तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता। ऐसी कंडीशन में क्या हम इस रिले के बगैर इस कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं और इसे हम छोड़ सकते हैं कि ये लगातार चलता रहे, इलेक्ट्रिसिटी के ऑफ होने पर और दोबारा ऑन होने पर ये खुद से स्टार्ट कर ले, क्या ऐसा संभव है? यानी इस रिले के बगैर इस कंप्रेसर को हम चला सकते हैं, ये देखना है। इसके लिए इस क्लैंप मीटर को हटा लेते हैं और इस रिले को यहां से निकालते हैं। ये रिले का पिन भी बाहर आ गई क्योंकि ये ओपन था। ये हमारा खराब पीटीसी रिले है जिसकी डिस्क अभी हम लोगों ने यहां निकाल लिया, ये खराब थी। अगर ये डिस्क यहां लगी होती है तो जो सप्लाई हम रन टर्मिनल पर देते हैं वो इस डिस्क से होती हुई स्टार्ट टर्मिनल पर चली जाती है, पर डिस्क के टूट जाने से या खराब हो जाने से जो सप्लाई रन टर्मिनल पर आती है वो स्टार्ट टर्मिनल पर नहीं जाती है और यहां से डिस्क हटी हुई है। इस कंडीशन में इसी खराब रिले से इस कंप्रेसर को हम लोग चलाएंगे
और देखते हैं कि क्या इसे ऑन ऑफ करने पर अपने आप इस रिले, इस खराब रिले के जरिए से यह ऑन ऑफ होता है या नहीं। तो सबसे पहले इसी खराब रिले को हम यहां लगा लेते हैं, इसको हम लोग लगा लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के बहुत से कंप्रेसर में इस रिले के साथ ही साथ कैपेसिटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास अगर कोई खराब रिले हो तो उसके साथ इस कैपेसिटर को लगा के देखते हैं कि क्या ये कैपेसिटर इस रिले के बगैर भी इस कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेता है। इसके लिए हम इस कैपेसिटर को इस रिले के साथ, यानी इस खराब रिले के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास ये दो वायर है जिसे हम इस कैपेसिटर पर कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। इन दोनों कैपेसिटर को हमें इस रिले के स्टार्ट टर्मिनल पर और रन टर्मिनल पर, यानी जहां सप्लाई आई है वहां कनेक्ट करना होता है। इसे कनेक्ट करने के लिए क्योंकि ये टू पिन का ही रिले है तो हम इस वाले वायर को यहां से निकाल लेंगे और इन दोनों को एक साथ लगा लेंगे। इसको साथ में लगाने के लिए ये दोनों, यानी जो सप्लाई का वायर है उसे हमने कैपेसिटर के वायर के साथ कनेक्ट कर लिया और इसे हम यहां पर कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। यानी जो सप्लाई आएगी वो सीधा कैपेसिटर पर आएगी और कैपेसिटर के जिस पिन पर ये कनेक्ट है वहां से हम रिले के रन टर्मिनल वाली पिन पर कनेक्ट कर देंगे, यानी इस जगह कनेक्ट कर देंगे। और ये हमारा स्टार्ट टर्मिनल पर जाने वाली सप्लाई है, इसे हम इस रिले के इस साइड कनेक्ट कर लेंगे। और अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे कि क्या ये खराब रिले इस कैपेसिटर की मदद से इस कंप्रेसर को स्टार्ट कर ले रहा है। ध्यान से देखें, ये ब्लैक कलर का वायर सीधा ओवरलोड प्रोटेक्टर पर है और जहां से ये कॉमन टर्मिनल में चला जा रहा है, जबकि ये ग्रीन कलर का जो वायर है ये कैपेसिटर के जिस टर्मिनल पर हमने दिया है वहां से ये डायरेक्ट इस रिले के रन टर्मिनल पर भी दिया गया है, जबकि इसका जो दूसरा बचा हुआ सिरा है वो हमने इस रिले के स्टार्ट टर्मिनल पर दे दिया है। यानी रिले के जिस पिन से स्टार्ट को सप्लाई जाती है, जाती तो सप्लाई डिस्क से होके है, लेकिन अब डिस्क बेकार है इसलिए ये सप्लाई इस जगह से जाएगी, तो ये हमने यहां कनेक्ट कर रखा है। ये स्टार्ट होता है या नहीं इसके लिए हम यहां एम्पियर मोड में ऑन करके इस मीटर को रखते हैं और यहां से इस सप्लाई को ऑन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, इस कैपेसिटर की वजह से ये पहले से भी कम एम्पियर ले रहा, ये हमारा खराब रिले है और इस खराब रिले के बावजूद ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया। इसे हम ऑफ करते हैं और फिर ऑन करेंगे, देखते हैं ये ऑफ होकर तुरंत ऑन होता है या नहीं। ये ऑफ हो गया और ये तुरंत ऑन हो गया। इसका मतलब अगर मेरे पास रिले ये ना हो तो बगैर रिले के हम इस कैपेसिटर की मदद से इस कंप्रेसर को चालू कंडीशन में छोड़ सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, ये हमने ऑफ किया और ये हमने ऑन कर दिया। हमेशा ये ऑफ ऑन हो रहा है इस कैपेसिटर की मदद से। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास पीटीसी रिले खराब हो जाए और उस वक्त हमारे पास कोई कैपेसिटर हो, 4 से 6 MFD का, 4 MFD का, 5 MFD का या 6 MFD का, अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर हो तो उस कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करके हम कंप्रेसर को रनिंग कंडीशन में छोड़ सकते हैं कस्टमर के। यानी मेरा सवाल यह था कि अगर हम किसी इंटीरियर एरिया में जाते हैं जहां हम किसी रेफ्रिजरेटर को चेक करते हैं और ये पाते हैं कि साहब उसका रिले खराब है, तो क्या हम उस फ्रिज को चालू कंडीशन में कस्टमर के पास छोड़ के आ सकते हैं? अगर बहुत जरूरी है और मेरे पास एक कैपेसिटर है तो उस कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करके हम फ्रिज को चालू कंडीशन में छोड़ के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत से रेफ्रिजरेटर के कंप्रेशन में रिले और कैपेसिटर दोनों लगा होता है। उस रेफ्रिजरेटर के साथ कैपेसिटर इसीलिए लगाया जाता है कि कैपेसिटर को स्टार्टिंग टार्क भी मिल जाती है और जब कभी रिले खराब होता है इमरजेंसी में तो किसी को पता भी नहीं चल पाता, यानी कस्टमर को पता भी नहीं चल पाता, और ये कैपेसिटर इस कंप्रेसर को यानी रेफ्रिजरेटर को लगातार चलाता रहता है। जब कभी किसी और फॉल्ट की वजह से टेक्नीशियन वहां जाता है तो वो देखता है कि रिले खराब है और बदल देता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर कभी नहीं रुकता। किसकी वजह से? इस कैपेसिटर की वजह से। इसका मतलब ये कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी टेक्नीशियन को अपने बैग में इसे जरूर रखना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।